अर्बन हार्ट केंद्र चौका घाट वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का हमारे क्षेत्र है, इनके क्षेत्र में खादी बोर्ड द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी है। इसमें सोनभद्र जो जंगल झाड़ी का एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से हमारे एक उद्यमी आए हुए हैं जो अपने हाथ से बने सभी सामानों को लेकर के यहाँ पर आए हैं उलेन के, और इनसे ही हम इनकी जुबानी हर चीज़ सुनेंगे। इनका जो स्टॉल पर जो लगे सब सामान हैं वो आपको हम उसका अवलोकन करा रहे हैं, आप इसको देखें। ये सब हाथ से बने हुए सामान इनके हैं और ये काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी आकर्षक भी हैं। तो ज़रा हमको अपना पूरा परिचय देते हुए हमको बताइए। तो ये 350 का पड़ेगा मैम, बताइए हाथ का बना हुआ चीज़ है, देख रहे हैं हाथ का सामान बना हुआ है तो थोड़ा महंगा तो पड़ता ही है, तो मशीन के चीज़ों में और हाथ के चीज़ों में तो अंतर भी होता है। ये इतने दूर से आए हैं, भाड़ा किराया भी दे करके आए हैं, खादी बोर्ड ने इनको एको पैसा नहीं दिया है, आने जाने का किराया भी नहीं दिया है, ये जो ले आए हैं सामान इसका भी कुछ भाड़ा दिया है कि नहीं दिया है? अपना लगाते हैं। कुछ नहीं दिया है, अपना लगाते तो कैसे अपना खर्चा निकाल लेते हैं? क्या करेंगे, कुटीर उद्योग है, बुनकर गरीबों में कहाँ जाएंगे, इसी सब इसी में लगे हैं। तो आप ये बताइए, आप जंगल में इस चीज को पैदा करते हैं, आपका क्षेत्र तो पूरा जंगल एरिया है, सब जगह काम होता है, घुरमा जेलों में सेंटर में कैदी भी काम कर रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं। तो इन सामानों को आप कहाँ बेचते हैं? प्रदर्शनी में बेचते हैं। प्रदर्शनी कहाँ कहाँ जाते हैं? हमें तो लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, मैंने देश के जहाँ भी प्रदर्शनी लगती है हर कोने में आप जाते हैं। लेकिन कहीं सरकार आपको मदद भी देती है? नहीं, जब ODOP और जिला उद्योग विभाग से है उसमें 15,000 मिल जाता है हमको आने जाने का भाड़ा किराया। हाँ, और जैसे अपना IP में है 10,000 पाते हैं। अच्छा, भाड़ा किराया मिल जाता है। हाँ, और खादी में जो है कि दुकान मिलता है हमको फ्री का, दुकान खादी में केवल दुकान फ्री मिलता है और बाकी खाना अपने से, किराया अपने से, सब कुछ करते हैं। कैसे अपना इसका खर्च निकाल लेते हैं आप? क्या करेंगे, इसी में अपना लगे हैं, अपना कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो क्या आप इस काम से संतुष्ट हैं? बचपन से तो मैं यही काम किया हूँ, इसी में दाल रोटी चल रहा है किसी तरीके से। अच्छा, किसी तरीके से चल रहा है, बचपन से लगे हैं और दाल रोटी किसी तरीके से चल रहा है? हाँ, बचपन से। अच्छा 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 अच्छा, अब दूसरा काम कर नहीं सकते। अच्छा, यही काम मैं सिखाऊँ, कढ़ाई बुनाई। हाँ, जो है कि तो इसी में अपना दाल। आपका नाम क्या है? आनंद गौतम। आनंद गौतम जी, बहुत सुन करके अच्छा लगा, धन्यवाद आपको। और कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे अपने देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, इसमें अपना रोजी रोटी अपना जी खा रहे हैं, अगर इस पर कुछ आउट करेंगे तो जो दुकान मिल रहा है वो भी आप नहीं देंगे, इसलिए भाई हम ज़्यादा बात क्यों करेंगे, हम इसमें रोजी रोटी में अपना लगे हैं। हाँ, हम संतुष्ट हैं, ये घाटा नफा तो होता रहता है, पहले हम अच्छा कमा रहे थे। हाँ, जब कोरोना के पहले से, कोरोना के पहले आप अच्छा एक कमा नंबर की बिक्री था हमारा लखनऊ में, दिल्ली में, हरियाणा में। हाँ हाँ, हर जगह बिक्री। तो इसके बाद घट क्यों गया कोरोना के बाद? कोरोना के बाद भाई पब्लिक के पास पैसा नहीं है, उसे ब्लैक मनी पाते थे। हाँ, दिन भर डकैती मारते, सामकालीन खरीदते हमारे पास। अच्छा, अब जो है अपने तनख्वाह से। हाँ, नहीं खरीद पा रहे हैं, अब देखिए ये 450 बताए हैं ना। हाँ, हाँ, अब वो कह रहे हैं कि हम 350 मांगा निजवल दाम, देखिए हाथ का बना हुआ है। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, हाथ का बना हुआ है। हाँ, हाँ, इसको गारंटी मैं 5 साल दूंगा, इसका गारंटी 5 साल साल दूंगा, ऐसा अगर फट जाएगा तो हम उसी पैसे में मैं दूंगा। अरे वाह है। हाँ, लेकिन ये इसका लाइफ टाइम है 15 से 20 साल तक। 15 से 20 साल? हाँ, लाइफ टाइम नहीं, ये तो खैर है, ये हाथ से बने सामानों का ठीक नहीं है, सिंथेटिक नहीं मैं दे रहा हूँ। हाँ, और जो चीज़ की कह रहे हैं मैडम जी कि हम 350 मांगे हैं, है, और मैडम जी कह रहे हैं कि नहीं कुछ काम कर दीजिए, तो क्या करें भाई, हमारी बहने इतने उसमें आई है उस सुख से। दिल्ली हरियाणा नहीं है, पहले टूरिज्म लोग आते थे हवाई जहाज से इलाहाबाद में। हाँ, और हमने अच्छे कालीन बेचते थे वहाँ। अच्छा, माने कोरोना के बाद से आपका मार्केटिंग डाउन हुआ है? अच्छा अच्छा, अब दिन भर अधिकारी थे, DM, SDM, क्लर्क, जो भी छोटा पदे अधिकारी से लेकर के बड़ा तक दिन भर घूस कमाते और संझा के प्रदर्शन लगता। हाँ बताओ कालीन कितने का है? जी सर 8,000 का है, 10,000 का है, 12,000 का है। हाँ, सही बता दो। हाँ, इकट्ठा खरीद लेते दिन भर भाई उनका जो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि नहीं बिका तो सरकार खरीद लेते? नहीं नहीं नहीं, वो सरकार नहीं खरीद, वो पब्लिक खरीदता। दिन भर वो घूस लेता। हाँ, शाम को प्रदर्शनी में आता है। हाँ, प्रदर्शनी में आने के बाद बताओ भाई कालीन कितने का है, वो
उनका कौन तनख्वाह के पैसा लगा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपने। अब तो जो है कि अपनी तनख्वाह से लेना होता है। मैडम जी क्या कर रहे हैं आप?